सामने लेकर आया हूँ ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है। जैसे कि उनका नाम है अंजू संगमी नाम है उनका, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें एक जैकेट का। जैसे कि बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ पड़ा है हमारे पास, हमें और भी बहुत रिक्वेस्ट हमारे पास है ऑलरेडी, तो इसलिए उन्होंने उनका बहुत जल्दी है, इसलिए इस वीडियो आज मैं दे रहा हूँ। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे एक जैकेट का डिजाइन है, और एक डिजाइन कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, उन्होंने सिर्फ ड्राफ्टिंग देखने के लिए हमें ये वीडियो रिक्वेस्ट करने के लिए बोला, और मुझे ये खुशी है। जैसे कि मैं जिस नॉलेज को लेकर सिर्फ कुछ डिजाइन में दिखा रहा था आप लोगों को, जैसे कि ड्राफ्टिंग सिर्फ दिखाने से उन लोग स्टिच कर पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमें भी बहुत इजी हो रहा है और बहुत डिजाइन दिखाने का मौका भी मिल रहा है, और आगे जाकर इसी तरह हम दिखाएंगे। जैसे कि कुछ डिजाइन है जैसे कि सिर्फ ड्राफ्टिंग दिखाने से ही काम बन जाएगा, तो हम क्यों स्टिच करके दिखाए आप तो जानते हैं। और ये वीडियो जब भी कोई लोग देखेगा हमारा वीडियो, ये जब नेट पे जाएगा, तो उस वक्त शायद जो लोगों को स्टिच पाता है उन लोगों को ही ये देखना है, ठीक है, नहीं तो क्यों देखेंगे आप स्टिच अगर ना जाने तो मैं ये इस वीडियो का देख ही रहे स्क्रीन पर जो डिजाइन है इसका, ये जैकेट है, मैं इसका सिर्फ ड्राफ्टिंग दिखाऊंगा और स्टिच का भी नॉलेज कुछ शेयर करूंगा आप लोगों को। और इस डिजाइन को जैसे कि ये जो एक ऊपर का जो सूट है कमीज है, तो उनके साथ आर्महोल से लेकर एकोट ये ड्रेस लगा हुआ है, यानी कि ये ऊपर का पोर्शन है ये ओपन है। आप चाहे इसे कुछ अलग टेक्निक भी यूज कर सकते हैं आप इसे, मगर ये ऊपर का पोजीशन ओपन ही रखा है, आप ऐसा ही रखें। और बैक का हमें तो दिख नहीं रहा, तो बैक का शायद आप लोगों को ये जो जैकेट में दे रहा हूँ इस पार्ट का, इस कलर से ही आपको कुछ देना पड़ेगा, अच्छा दिखेगा, और अदरवाइज आप कुछ भी दे ना दे तो खूब अच्छा नहीं लगेगा, आपको देना पड़ेगा उस जगह में। तो इस वीडियो में सारे डिटेल्स आप लोगों को दिखाऊंगा, देखते रहिए। तो फ्रेंड ये देखिए, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक डिजाइन देख रहे हैं, उसका थोड़ा सा इस जगह में मैंने लेआउट दिखाया। तो इसमें क्या है, जो बैक नेक है मैं ऐसे ले लिया, बैक नेक में हमें तो दिख नहीं रहा बैक नेक कितना है, मगर इस टाइप का डिजाइन में ऐसा ही होता है, बैक नेक ऐसा ही होता है, और बैक नेक डीप नहीं होता है। फ्रेंड मैं एक बार और बता दूं, इस टाइप का ड्रेस में बैक नेक डीप नहीं चलेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये हमारा अगर हो तो बैक नेक में हम अगर देर इंस कट कभी कभी करते हैं, कभी कभी हाफ इंस करते हैं, तो साइड ड्रेस में दिखा रहा हो, तो बैक में ऐसा है नेक है, और फ्रंट में आप देख ही रहा है, और नीचे ये जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये जो पोजिशन है, ये फ्रेंड हमारा जो ऊपर में जो कमीज की तरह जो पहना हुआ है वो ड्रेस है, और स्लीव फ्रेंड ये जैकेट के साथ ही स्लीव है, मगर स्लीव में क्या है जो आप देख ही रहे हैं, जो कमीज का जो कलर है वो कलर से इस जगह में क्या हुआ है, मैंने स्लीव ऐसे रखा है और जैकेट थोड़ा सा अलग कलर दिया है। आप चाहे तो इस जगह में भी कलर चेंजिंग दे सकते हैं, दूसरा कोई फेब्रिक यूज कर सकते हो इस जगह में। तो ये देखिए, ये करने के लिए आपको मैं डिटेलिंग दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि शोल्डर, तो शोल्डर इस जगह के लिए ये जो ड्रेस है, इस जगह के लिए आपके शोल्डर लेना है, ऐसा फार्मूला चलेगा, हाफ अप शोल्डर, ठीक है फ्रेंड, हाफ अप शोल्डर प्लस हाफ इंच, इस जगह के लिए आपको लेना पड़ेगा शोल्डर, ठीक है। और जो बैक का जो नेक है ये देखिए, इसी तरह हम करेंगे, और ये देखिए बैक का जो नेक है, इस जगह का डेपनेस आपको लाना पड़े लेना पड़ेगा इस जगह के लिए, आप डेप्थ इसके लिए आप ले, ये एक बात मैं बता दूं, जैसे कि डेप्थ हम जैसे कि एयर गला के हम देर इंस हम करते हैं, तो आप उसी हिसाब से इसे करें तो ठीक ठाक है, और नहीं तो इस जगह को आप वन इंच भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड, वन इंच भी दे सकते हो, और आप चाहे तो हाफ इंच भी इस जगह में दे सकते हो। इस टाइप का डिजाइन के लिए आप इस तीनों में से कोई भी एक चुनकर आप इसे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर शोल्डर हाफ अप शोल्डर प्लस हाफ इंच देना है, ठीक है। और चलिए आगे मैं पैटर्न कटिंग करके दिखा रहा हूँ। चलिए हम मान लें हमारा जो बॉडी यानी कि हमारा जो जैकेट का जो
लेंथ है, फैन में सिर्फ जैकेट दिखा रहा हूँ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना हमें फुल लेंथ करना है, यानी कि ये हमारा जो बास्ट है फ्रेंड, ये देखिए ये हमारा हाई बास्ट है और इस पोजीशन हमारा नॉर्मल बास्ट है इस जगह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस जगह के लिए, फुल लेंथ हमें जितना लेना है वो हम लेंगे, जैसे कि बॉडी इस तरह, यानी कि ओएस के लिए, ओएस जिस जगह में फ्रेंड वो उस जगह में, यानी कि नॉर्मल हाई, तो जिस जगह में ये फुल लेंथ आप देना चाहते हैं उसी का आपका मेजरमेंट लेना है। तो मैं इस जगह का मेजरमेंट 17 इंच ले रहा हूँ, ठीक है 17 इंच। और हमारा जो शोल्डर है मैंने एक मेजरमेंट मैनिपुलेट कर रहा हूँ फ्रेंड, अपना मेमोरी से दे रहा हूँ, तो हम 8 ले रहा हूँ, इस जगह का मेजरमेंट 8 ले रहा हूँ, ठीक है। और जो पीछे का जो मेजरमेंट है हम उस जगह के लिए हम 10 इंच ले रहे हैं। और इस जगह का फ्रेंड ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो 1/3 ऑफ नेक हमेशा होता है, यानी कि हम कोई इस जगह का जब नेक का घुमा के जब मेजरमेंट ले, उस मेजरमेंट जितना होगा उसका 1/3 लेना पड़ेगा, 1/3 करके जितना आता है आप 14, चलिए हम तो 15 इंच पकड़े, तो 15 इंच अगर हम पकड़े तो हमारा जो बैक 3, यानी कि 15 को 3 डिवाइड करें और 5 होता है, तो ये देखिए 2.5 इंच हम ले लेंगे। और एक बात फ्रेंड, जैसे कि ये देखिए इस जगह को आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारा नेक अगर इधर से उठा है, हम चाहे तो इस जगह से अगर ले तो 1/3 चलेगा। आप देखिए थोड़ा सा हमने इस जगह को अगर ऐसे रखा है, खुला अगर छोड़ दिया है, थोड़ा सा दूर से करना है हमें, तो क्या करना है फ्रेंड, जैसे मैंने रखा है वैसे ही रख लेना और उसके बाद यह से स्टिच इधर हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, ये गले के लूजिंग रहेगा, इस जगह को लूजिंग होगा। और आप चाहे तो इस जगह को जैसे मेजरमेंट है वैसे ही रखना है, तो फ्रेंड लेफ्ट में स्टिच देना है, सीम्स देना है, तो ये कपड़ा सीम्स में चला जाएगा, ये फिटिंग्स हो जाएगा, तो ऐसे ही आपको लेना है। तो हमें 2.5 से थोड़ा सा, यानी कि 2.5 ही हम लेंगे और सीम्स उस तरफ चले जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो फ्रंट नेक हमने जैसे कि समझा जो 5, तो उसी तरह इसे हम ऐसे करेंगे, ऐसे घुमा के देंगे, ठीक है। और उसके बाद इधर का हमें चेस्ट लेंथ हमें शोल्डर डाउन करना है इस जगह को, हम ये शोल्डर डाउन हम 1 इंच कर दें इस जगह के लिए। अगर जैसे कि 32 में थोड़ा सा कम है, 34 में थोड़ा सा कम है, तो ये अगर 36 हो तो हम ऐसे ले लिया है, ठीक है। मैं नॉर्मल एक मेजरमेंट देकर ये बना रहा हूँ, और चेस्ट लेंथ जितना आपका मेजरमेंट है उसी से हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। और आपको अगर आर्म होल का पता चले, ये देखिए ये ऐसे लेना है इस जगह का, ये ऐसे, ये सब मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप तो जानते ही, ये करना तो आप जानते हैं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये 10 में ले रहा हूँ। और उसके बाद इस जगह को ये देखिए, ये हमारा वेस्ट, यानी कि जिस जगह में हम फुल लेंथ लेना चाहते हैं उस जगह का मेजरमेंट वैसा ही रहेगा। तो फ्रेंड इस जगह का जो मेजरमेंट है हमारा, जो इसका जो फुल लेंथ है, जो जैकेट का ऊपर का फुल लेंथ है, जितना हमें वैसा ही लेना है। और एक चीज, जैसे में ये हम थोड़ा सा लूजिंग भी लेते हैं इस जगह को, तो आप जितना चाहे वो लूजिंग आप ले सकती हो। और उसके बाद इस जगह को फ्रेंड, जैसे ये जो स्टाइल आप देख ही रहे हैं इस जगह को, तो इस जगह को अगर ऐसे साइड में थोड़ा सा शेप देंगे तो फिटिंग्स बहुत अच्छा रहेगा इस जगह को, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस जगह के लिए। वैसा ये हम नहीं, आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ इस बात को, आप तो जानते हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो आप तो जानते हैं इसको। और उसके बाद
ये जो गले का जो सिर्फ स्लीट टाइप ऑफ दिख रहा है, तो एट फर्स्ट आपको ये नेक कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है वो आपको ध्यान में रखना है। मैंने ऐसे ही दिखा है, जो हमें जो गले का जो 1/3 तक के जितना आया वैसे मैंने ऊपर का पोजीशन को रखा। और ये जो ऊपर का जो गले हाथ है, ऊपर का जो गला है वो जैसा वैसे ही रहेगा, मगर इसे हम चाहे तो इसे ऐसा भी रख सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद इस जगह को, और एक बात बता दूँ, जैसे कि जो लोग ड्राफ्टिंग और पैटर्न इसी तरह बनाते हैं, उन लोगों को ये सब नॉलेज रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अगर आपका क्रॉस पॉइंट किस तरह पे, ये आपको मालूम करना है। और उसके बाद ये फास्ट जो लाइन है ये क्रॉस पॉइंट का हमें इधर देना है और इधर देना है, ये आपको तय करना है। मैं तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट आया है, मगर मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस टाइप का डिजाइन में ये सब देखना पड़ता है। आप देख ही रहे हैं ये जो पिक्चर मैंने बनाया, तो ये क्रॉस पॉइंट उधर चला जा रहा है, तो हम भी वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा दूर उसे हम दे देंगे, ऐसे कर देंगे। और उसके बाद ये देखिए, इसे आप ऐसे दे दीजिए इस जगह को। और आप चाहे तो इस जगह को और भी कम कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से कम करना ठीक नहीं रहेगा, आप इसे ऐसे बढ़ा दे तो ठीक ठाक रहेगा इसे, क्योंकि ये जब बास्ट में पहनेंगे तब ऊंचा हो जाएगा थोड़ा सा। और उसके बाद दूसरा इसी तरह और एक नेक कटिंग करना है हमें, ये देखिए, इसी तरह दूसरा करना है, ये देखिए, इस जगह के मैंने लेकर इस जगह को मैंने मिला दिया। और फ्रेंड तीसरा लेना है हमें, ये